वो रोज कुकर में अपनी पत्नी के लाश के टुकड़े रख कर उनको पकाता और फिर उन पके हुए टुकड़ों को गली के कुत्तों को खिलाता और जो बच जाते उनको मिक्सी में पीस करके लेटरिंग में फ्लश कर देता था। दोस्तों यह घटना अभी हाल की है। दोस्तों ऐसी घटना जिसे सुनकर और देखकर लोगों के रोंगटे तक खड़े हो गए हैं। भगवान ऐसा पति किसी को भी ना दे। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे का पूरा राज यहाँ पर जानेंगे और आखिर क्यों किया था उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा, इसके बारे में भी यहाँ पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मुंबई के मीरा रोड के पास आकाशदीप बिल्डिंग के 7th फ्लोर में फ्लैट नंबर 407 की है। फ्लैट नंबर 407 के अंदर यह दरिंदगी हुई है जहां पर एक पत्नी को मारा गया, फिर उसके शरीर के टुकड़े करके उनको कुकर में पकाया गया और फिर उनको मिक्सी में पीसकर लेटरिंग में फ्लश कर दिया गया और कुछ टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया गया। दोस्तों एक मनोज साहनी नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 56 साल है और यह कहानी मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। मनोज साहनी जिसकी उम्र 56 साल है फिलहाल और उसने ITI की थी पर उसको जॉब नहीं मिली थी और बोरीवाली में उसकी राशन की दुकान है, उससे उसका गुजर बसर हो रहा है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी भी है, उससे उसको बहुत सारे पैसे भी आ जाया करते हैं, यानी कि पैसों की ज़्यादा टेंशन उसको नहीं है। अब क्या होता है, 2014 में जैसे वह राशन की दुकान चलाया करता है तो उसके पास एक लड़की आया करती है जिसका नाम होता है सरस्वती और सरस्वती वहां से राशन का सामान लेने के लिए आया करती है। उसका आगे पीछे कोई नहीं था, माँ बाप भी नहीं थे और ना कोई भाई बहन था। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मनोज साहनी होता है उस लड़की से नैन मटक्का करने लगता है और उस लड़की का हमदर्द बनकर दिखाता है। यहाँ पर वह लड़की कहती है कि मैं भी अकेली हूँ और हम दोनों क्यों ना एक साथ रहने लगे, तो वह दोनों एक साथ रहने का प्लान बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब वह लड़की सरस्वती मनोज साहनी के पास आ जाती है। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं हंसी खुशी से और उन दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, 2019 में वो बोरीवली से मीरा रोड दीप बिल्डिंग में 7th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 407 में आकर रहने लगते हैं। यहाँ पर उस फ्लैट के अंदर ये दोनों अकेले रहा करते हैं, पति पत्नी, ना ही इनका कोई रिश्तेदार है ना ही कोई मिलने के लिए आता है। यहाँ पर मनोज साहनी का भी कोई नहीं होता है अपना। दोस्तों यहाँ पर दोनों पति पत्नी आराम से आकर रहने लगते हैं, उनका किसी से कोई मतलब नहीं होता है और जो मनोज साहनी और सरस्वती के फ्लैट के साइड में और दूसरे लोगों के फ्लैट हैं उनसे भी वे ज़्यादातर बातचीत नहीं किया करते हैं। जब कोई वहाँ पर कोरियर वाला आता है तो सरस्वती अपने कोरियर को लेने के लिए बाहर निकलती है तो किसी की नज़र पड़ जाती है तो हंसकर उससे नमस्ते करकर अपने घर में घुस जाया करती है। यहाँ तक कि जो उसके आस पड़ोस में जो और फ्लैट वाले होते हैं वो अगर उनको अपने बच्चों के बर्थडे पर भी बुलाते हैं तब भी वह दोनों उनके घर पर नहीं जाते हैं, यानी कि वह अपने तक ही सीमित हैं। लेकिन मामला चल रहा होता है धीरे धीरे तो मनोज साहनी और सरस्वती उनके फ्लैट नंबर 704 के सामने एक और फ्लैट होता है जो कि रमेश श्रीवास्तव का होता है जो कि उनका पड़ोसी होता है। अब क्या होता है, एक दिन जो सरस्वती होती है उसका निकलना और बाहर जाना बंद हो जाता है। अब जो मनोज साहनी का घर होता है उसमें से बहुत बड़ी दुर्गंध आने लगती है और पहले पहले तो जो उसका पड़ोसी रमेश श्रीवास्तव है वह कहता है कि शायद कोई चूहा वगैरह मर गया होगा। एक दो दिन गुजर जाते हैं लेकिन वह बदबू ज़्यादा ज़ोर से उठने लगती है तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ आखिर बात क्या है जो ये इतनी दुर्गंध आ रही है। तो वह पता लगाता है तो वह दुर्गंध मनोज साहनी के फ्लैट नंबर 704 से आ रही थी। अब वह समझ जाता है कि इस फ्लैट के अंदर कोई ना कोई जानवर मरा पड़ा है या फिर कोई ना कोई दिक्कत है। अब दोस्तों यहाँ पर वह देखता है कि उस फ्लैट के अंदर उस फ्लैट का मालिक मनोज साहनी और जो सरस्वती होती है वह नहीं है, तो वह इंतज़ार करता है कि जब ये घर पर आएंगे तो मैं इनसे कहूँगा कि भाई फ्लैट के अंदर देखो कोई चूहा वगैरह मरा तो नहीं पड़ा है। दोस्तों यहाँ पर मनोज साहनी आता है, सरस्वती वहाँ से गायब थी। बाद जो पड़ोसी रमेश श्रीवास्तव होता है वह उसके फ्लैट के दरवाजे पर जाता है और कहता है भाई साहब ये बदबू दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तो इतने में ही जो मनोज साहनी होता है अंदर रूम फ्रेशनर को छिड़कने लगता है और उसकी छिड़कने की आवाज़ रमेश श्रीवास्तव को सुनाई दे जाती है और दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब यहाँ पर जो सौमेश श्रीवास्तव होता है उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है, वह अपनी माँ से कहता है कि माँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यह अपने रूम के अंदर रूम फ्रेशनर छिड़क रहा था और दरवाज़ा नहीं खोला है। उसके बाद एक दिन और बीत जाता है तो दूसरे दिन जैसे मनोज साहनी अपने फ्लैट से बाहर निकलता है तो एकदम से सौमेश श्रीवास्तव उसके सामने आ जाता है और कहता है कि भाई साहब अपने फ्लैट के अंदर चेक करिए, कोई जानवर तो मरा नहीं पड़ा है, बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है कई दिनों से।
अब यहाँ पर मनोज सहानी कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, शाम को आऊँगा मैं 10 बजे तब देखता हूँ। दोस्तों यहाँ से मनोज सहानी निकल जाता है और जो सौमेश श्रीवास्तव होता है वह अपनी माँ से कहता है कि जब हम इतनी दूर हैं इस फ्लैट से, हम दुर्गंध सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह इंसान कैसे रहता होगा इस फ्लैट के अंदर इतनी बदबू में। तो यहाँ पर सौमेश श्रीवास्तव को लगता है कोई ना कोई गड़बड़ है, पहले रूम फ्रेशनर छिड़क रहा था और अब यह इसने मेरी बात पर गौर नहीं की है। अब यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस आकर देखती है फ्लैट के पास से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, तो वह उसके ताले को तोड़ती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कॉलोनी के सुपरवाइज़र और बिल्डिंग वगैरह का जो इंचार्ज होता है वह सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। ताले को जैसे तोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर जाया जाता है तो बिल्डिंग में जैसे पुलिस घुसती है तो एकदम से वापस वे सारे लोग आ जाते हैं बाहर। वह अब क्योंकि दुर्गंध इतनी बुरी थी कि उनसे टिका नहीं गया, वह फिर रुमाल और मास्क वगैरह पहन करके जब दोबारा से उस कमरे में घुसते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं बेड के ऊपर एक खाली पॉलीथीन पड़ी हुई थी लेकिन वह खाली थी। फिर और अंदर जाकर देखा जाता है बाथरूम के अंदर, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर रसोई के अंदर जैसे पुलिस जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बाल्टी के अंदर मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, लेकिन ये पहचान में नहीं आ रहे थे कि आखिर ये किसका मांस है, किसी जानवर का है या किसी इंसान का है। जब उसको और ज़्यादा टटोला जाता है तो उस बाल्टी के अंदर एक पैर पड़ा हुआ मिलता है, जांघ पड़ी हुई मिलती है, वह बहुत ज़्यादा मोटी थी तो उसे अभी वह काट नहीं पाया था, बाकी उसके अंदर और मांस पड़ा हुआ था। यहाँ पर पुलिस वाले और पड़ोसी लोग समझने में देरी नहीं करते हैं, वे तुरंत समझ जाते हैं कि सरस्वती यहाँ से गायब है, उसी का यह मांस है, उसी को यह काट रहा है। उस घर के अंदर जो रसोई थी उसमें एक कुकर भी रखा हुआ था जिसमें से दुर्गंध आ रही थी, जिसमें उस मांस को उबाला गया था, और वहाँ पर एक मिक्सी रखी हुई थी जिसमें उस मांस को उबाल करके पीसा गया था। दोस्तों लेटरिंग में जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर भी बड़ी दुर्गंध आ रही थी, वहाँ पर उसको फ्लश किया गया था। पुलिस वाले पूछते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन रहता है, पड़ोसी बताते हैं कि यहाँ पर इसकी पत्नी सरस्वती रहा करती है और वह कई दिनों से गायब है। अब पुलिस समझ जाती है कि इसने अपनी पत्नी को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उनको इधर उधर फेंक दिया है। दोस्तों अब पुलिस उसका इंतज़ार करती है क्योंकि यहाँ पर जो पड़ोसी सौमेश होता है उससे कहकर गया था मनोज सहानी की रात को 10 बजे आऊँगा जब देखूँगा कमरे के अंदर क्या है। तो पुलिस सिविल ड्रेस में वहाँ पर छुप जाती है, कोई दो चार किसी के कमरे में, और वहाँ पर कॉलोनी का सुपरवाइज़र भी और बिल्डिंग के इंचार्ज भी होते हैं। तभी जो मनोज होता है वह लिफ्ट से ऊपर आ रहा होता है और एकदम जैसे लिफ्ट से निकलता है तो उसको शक हो जाता है कि पुलिस बैठी हुई है, उसके फ्लैट का ताला टूटा हुआ था। तो वह एकदम से लिफ्ट में दोबारा घुसने की कोशिश करता है और बटन दबाने लगता है नीचे जाने के लिए। तभी वहाँ पर सुपरवाइज़र और बिल्डिंग इंचार्ज पुलिस से कहते हैं यही तो मनोज है। दो पुलिस वाले होते हुए जाकर उसको पकड़ लेते हैं और घसीट कर बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ था और तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो यहाँ पर दो मित्र सामने आते हैं, यहाँ पर वह बताता है कि मेरी पत्नी को मेरे ऊपर शक था कि मैं किसी लड़की के अवैध संबंधों में हूँ, इसलिए उसने अपनी जान दे दी और फिर मैंने सोचा कि अब मैं फंसूंगा इसके कत्ल के जुर्म में, इसलिए मैंने इनके टुकड़े टुकड़े करके इनको पहले उबाला कुकर के अंदर और फिर इनको मिक्सी में पीसकर लैट्रिन में फ्लश किया, और जो टुकड़े बच जाते थे उनको मैं गली के कुत्तों को खिला आया करता था। और ज़्यादातर 95% यानी कि 95% बॉडी को वह ठिकाने लगा चुका था, लेकिन उसके घर में फ्रिज नहीं था तो दुर्गंध ज़्यादा बढ़ने लगी थी और बस 5% बॉडी रह गई थी उसको ठिकाने लगाने की। अगर वह उसको भी ठिकाने लगा देता तो किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, ना ही सरस्वती का कोई रिश्तेदार था। दूसरी थ्योरी ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर मनोज के ऊपर उसकी पत्नी शक करती होगी कि उसका अफेयर किसी और से है, और मनोज ने ही अपनी पत्नी को पहले मारा और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को काट काट कर टुकड़ों में पीस कर करके उसको ठिकाने लगाने की तैयारी में जुट गया था। तो यहाँ पर दो थ्योरी निकल कर आ रही हैं, लेकिन अभी जैसे वह कुछ बताएगा उसका जो मामला है आगे खुलेगा, सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी को जिसके साथ वह कई सालों से रह रहा था उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। अगर उसने मारा होगा तो उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, अगर उसने नहीं मारा होगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत राहत उसको मिल जाए, लेकिन यह मामला इस तरह का हुआ है मुंबई के अंदर। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या यहाँ पर
उस पति मनोज साहनी ने ही अपनी पत्नी को मारा है या फिर नहीं मारा है, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पर पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे के कातिल बन जाते हैं और डेड बॉडीज की बुरी दुर्गति कर देते हैं उनको छुपाने के चक्कर में। दोस्तों, कमरे के अंदर जो लकड़ी काटने वाली मशीन होती है, आरा मशीन, वो भी वहां पर पड़ी हुई थी, पुलिस वालों को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहां से बरामद पुलिस वाले करते हैं। कुकर वगैरह को बरामद किया जाता है, सारी चीज़ों को पुलिस वहां से बरामद करती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।